हमें कदाचार करने वालों से दो कदम आगे रहना है, और कोई भी परिवर्तन स्थायी नहीं हो सकता। अगर स्थायी होगा तो उसका तोड़ भी निकल जाएगा, उसका काट निकल जाएगा, और फिर से कदाचार बढ़ने लगेगा। प्रथम समूह का मेरिट लिस्ट अलग बनेगा, दूसरे समूह का मेरिट लिस्ट अलग बनेगा, और आपकी प्रतिस्पर्धा प्रतियोगिता जो है वो अपने ही समूह के अंदर में है। तो आधे लोगों का चयन प्रथम समूह से होगा, आधे लोगों का चयन दूसरे समूह से होगा। स्केलिंग सिस्टम हम सभी विषयों के साथ लागू नहीं कर सकते। अगर ऐसी कोई परीक्षा है जिसमें कि सभी विषय ऑप्शनल विषय जितने हैं सबों में अगर कम से कम 1000 से अधिक अगर कैंडिडेट अगर हैं तब तो हम स्केलिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी भी एक विषय में अगर वो एक ऑप्शनल विषय में अगर 1000 से कम अगर कैंडिडेट हैं तो फिर ये परसेंटाइल या स्केलिंग सिस्टम जो है एक्यूरेट नहीं होगा। ये ऑप्शन तो मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा एक सॉल्यूशन था ऐसे प्रश्नों को, जो प्रश्न त्रुटिपूर्ण हो गए या जिनके उत्तर जो है वो त्रुटिपूर्ण हो गए, तो वैसे चीज़ों के लिए, वैसे प्रश्नों के लिए यह ई ऑप्शन की आवश्यकता पड़ी। मैं नहीं चाहूँगा कि एक और वैकेंसी रह जाए और दूसरे और के वेटिंग लिस्ट के कैंडिडेट्स को एक साल फिर से आना पड़े, तो यह मैं सकारात्मक निर्णय जरूर लूँगा। कब ले पाऊँगा मैं थोड़ा प्रतीक्षा कर लें, लेकिन लूँगा जरूर निर्णय। 18 तारीख को अगर UPSC की परीक्षा कोई देता है तो 20 तारीख को आ सकता है, और या फिर 22 को आ सकता है, और 22 को आकर के वापस वो फिर 24 को अपनी परीक्षा UPSC का फिर जाकर दे सकता है। तो पहले मैं बैकलॉग को पूरा कर लूँ और उसके बाद मैं एक कैलेंडर बनाऊंगा और हम लोग कोशिश करेंगे कि हम उस कैलेंडर के हिसाब से चलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24, मैं हूं आदेश पुरी। मई महीने से आपको बता दें कि बिहार का जो सर्वोच्च भर्ती इकाई है BPSC काफ़ी विवादों में रहा, पेपर लीक कर गया और तरह तरह के आरोप जो हैं लगे, हमने भी कई प्रश्न उठाए। इन सब के बावजूद BPSC के नए चेयरमैन आते हैं अतुल प्रसाद जी, और वो काफ़ी कुछ सकारात्मक कदम उठाते हैं जिसका छात्रों ने काफ़ी स्वागत किया है, लेकिन कुछ कदम ऐसे हैं जिनको लेकर उनका विरोध भी है। हमारे साथ हैं BPSC के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी, इनसे ही हम पूछेंगे। सर, आपने प्रयास तो बहुत अच्छे किए कुछ जो कि छात्र काफ़ी स्वागत कर रहे हैं, लेकिन दो दिन एग्जाम लेने का वो उन्हें स्वीकार्य नहीं है। उनका कहना है कि भ्रष्टाचार का एक नया खेल शुरू हो जाएगा, EBC का प्रश्न है, रिजर्वेशन का प्रश्न है। अगर एक आप 3 लाख बात करते हैं एक फेज में तो उसमें हो सकता है कि ज़्यादा महिलाएं हो, दूसरे फेज में कम हो, तो ये सारे जो कट ऑफ पर जो है जो 10,000 संख्या है इस पर इसका असर पड़ेगा। देखिए, कोई भी परिवर्तन जब होता है तो उस पर लोगों को थोड़ा सा आशंका होना स्वाभाविक है। मैं इससे इनकार नहीं करता हूँ कि लोग आशंकित हो सकते हैं इसमें, लेकिन उनको ये भी समझाना है और समझना उनको है कि इसके क्या फ़ायदे होंगे और क्यों इसको करने की ज़रूरत पड़ी। अब देखेंगे कि जो पिछली जो परीक्षा हुई थी मई महीने में वो एक शिफ्ट में हुई थी और अभी तक एक शिफ्ट में ही होते चले आ रही थी, लेकिन ये देखा गया कि एक शिफ्ट में कराने में हमें इतनी बड़ी संख्या में जब कराना पड़ेगा तो हमें ऐसे सेंटर्स को भी लेना पड़ता है जो शायद सामान्य तौर पर हम ना लेना चाहें या हमारे मानक के खड़ा नहीं उतरते हैं। और यही कारण है कि जो मई महीने में जो परीक्षा हुई वो लीक हो गया, उसमें वायरल हो गया और सेंटर की तरफ से गड़बड़ी हुई, जिसका पूरा दुष्परिणाम यह निकला कि पूरी परीक्षा को कैंसिल करना पड़ा। अब उसकी पुनरावृत्ति न हो इसके लिए हमें अच्छे सेंटर्स को ही सीमित रखना है, उसी पर रखना है। तो वैसी परिस्थिति में हमें ये बाध्यता है कि इतनी बड़ी संख्या को अगर हमको लागू करना है, उनकी परीक्षा दिलाने की व्यवस्था करना है, तो हमें एक से अधिक शिफ्ट करने की ज़रूरत है। अब इस बाध्यकारी परिस्थिति को अगर हम देखते हुए हम समझें इस बात को कि इसमें जो आशंकाएं हैं, एक आशंका लोग करते रहे हैं कि भाई हमारा प्रश्न हमारे ग्रुप में हो सकता है कि हमारा एक प्रश्न हमारा क्वालिटी कम हो, किसी में ज़्यादा कठोर प्रश्न हो जाए। तो वैसी स्थिति में आप देखेंगे कि दो अलग अलग एक तरह से समूह बन गया। प्रथम समूह का मेरिट लिस्ट अलग बनेगा, दूसरे समूह का मेरिट लिस्ट अलग बनेगा, और आपकी प्रतिस्पर्धा प्रतियोगिता जो है वो अपने ही समूह के अंदर में है। तो आधे लोगों का चयन प्रथम समूह से होगा, आधे लोगों का चयन दूसरे समूह से होगा। इसलिए जो अगर किसी एक का प्रश्न पत्र अगर कहीं कठिन हो गया, किसी का सरल हो गया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब दूसरी बात यह है कि जैसे आपने कहा कि किसी में EBC OBC की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, किसी में कुछ और हो जाएगा, तो एक तो पहली बात कि इतनी बड़ी संख्या है 3 लाख,
3 लाख में हम लोग उसको, 6 लाख टोटल है, उसमें 3 लाख अगर आधे लोगों को एक साइट में लेते हैं तो हम उसको रैंडमली अगर सेलेक्ट करते हैं तो हमारा बाय एंड लार्ज वो उम्मीद की जाता है कि जिस अनुपात में लोगों ने आवेदन दिया है, जिस कैटेगरी के लोगों ने आवेदन दिया है, उसी अनुपात में वो आधा आधा बढ़ जाएगा। लेकिन आपने अच्छा किया कि इस ओर ध्यान आकृष्ट करा दिया, तो हम लोग इस पर विशेष ध्यान रखेंगे कि ये अनुपात जो है मेंटेन रहे दोनों ग्रुप में, इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। सर एक और आगे का सर बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये बिहार के जो एक जो यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने वाले, हिंदी मीडियम से पढ़ाई करने वाले, ह्यूमैनिटी से पढ़ाई करने वालों का है कि बीपीएससी स्केलिंग व्यवस्था क्यों नहीं लाती है। जैसे कि एग्जांपल में सर, इस साल ही जो टॉपर हैं उनका 300 में 290 नंबर है मैथमेटिक्स है, 64वीं में भी 1-2 रैंक का यही हाल रहा, 280 के आसपास नंबर मिला। उनका कहना है कि अगर हम ह्यूमैनिटी से देंगे तो बेहतर प्रदर्शन करने के बावजूद भी हम 200+ नहीं ला सकते हैं, लेकिन मैथ वालों जो हैं वो ठीक ठाक प्रदर्शन करने पर भी 200 के आसपास ला देते हैं और मैक्सिमम नंबर की गुंजाइश है, ऐसे में उनके साथ अन्याय हो रहा है। देखिए अभी ये दोनों परस्पर विरोधी प्रश्न हो जाते हैं, मांगें हो जाती हैं। अगर आप दो शिफ्ट में करने में आप ये कह रहे हैं कि दोनों शिफ्ट के मेरिट लिस्ट को जोड़ने में मैं आ रहा हूँ उसी पर, कि दो अलग अलग मेरिट लिस्ट बन रहा है और उसको अगर हम आपस में कंबाइन करते हैं तो यहाँ पर तो हम दोनों का अलग अलग बना करके आधे आधे ले लेते हैं, इसलिए यहाँ पर तो कोई कंबाइन करने में कोई खास दिक्कत है नहीं, कंबाइन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। लेकिन कंबाइन करने का जो भी दो अलग अलग मेरिट लिस्ट का अगर कंबाइन करने का एकमात्र तरीका यही है परसेंटाइल का। और जैसे आप सब्जेक्ट्स का जब स्केलिंग की बात आप करते हैं तो उसमें आप परसेंटाइल सिस्टम के बिना आप इसको नहीं कर सकते, दोनों में अलग अलग मार्किंग होगा, अलग अलग सिस्टम से मार्किंग होगा, क्वेश्चंस अलग हो जाएंगे, मैथ्स के क्वेश्चन अलग हो जाएंगे, पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चंस अलग डेफिनेटली रहेंगे, उनकी मार्किंग भी अलग अलग, जैसे आप स्वयं कह रहे हैं। तो नेचुरली इन दोनों को अगर आप जो स्केलिंग कर रहे हैं वो परसेंटाइल ही सिस्टम है या स्केलिंग कहें, उसमें लागू करना ही पड़ेगा। तो एक ओर इस परसेंटाइल सिस्टम की आप डिमांड कर रहे हैं स्केलिंग के लिए, और दूसरी ओर जब शिफ्ट वाले में, जबकि उसमें हमें कोई दोनों को कंबाइन करने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन वहाँ पर आप परसेंटाइल सिस्टम को आप विरोध कर रहे हैं। तो दोनों थोड़ा सा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि दोनों विरोधाभास है। पहली बात इसको समझना होगा कि दोनों ही जगह पर ये चीज़ परसेंटाइल सिस्टम काम कैसे करता है। परसेंटाइल सिस्टम एक स्टैटिस्टिकली करेक्ट सिस्टम है, ये तभी काम अच्छा कर सकता है जबकि बड़ी संख्या में लोग हों। अगर हमारा एक विषय पॉलिटिकल साइंस है उसमें बड़ी संख्या में कैंडिडेट्स देते हैं, ठीक है, वो अच्छा है, लेकिन अगर मान लें कोई दूसरा विषय है जिसमें सिर्फ 5 ही कैंडिडेट हैं तो ये दोनों का मेरिट लिस्ट को कंबाइन करना परसेंटाइल सिस्टम से ये करेक्ट नहीं होगा। और यही कारण है कि स्केलिंग सिस्टम हम सभी विषयों के साथ लागू नहीं कर सकते। अगर ऐसी कोई परीक्षा है जिसमें कि सभी विषय ऑप्शनल विषय जितने हैं सबों में अगर कम से कम 1000 से अधिक अगर कैंडिडेट अगर हैं तब तो हम स्केलिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी भी एक विषय में, अगर वो एक ऑप्शनल विषय में अगर 1000 से कम अगर कैंडिडेट हैं तो फिर ये परसेंटाइल या स्केलिंग सिस्टम जो है एक्यूरेट नहीं होगा। तो फिर तो सर बहुत सारे छात्रों के साथ अन्याय हो सकता है, कुछ को फायदा भी बहुत ज़्यादा हो सकता है इससे। देखिए फिलहाल इसका समाधान अभी हम तुरंत नहीं बता सकते हैं कि क्या होगा, क्योंकि अब लंबे समय से ये चला आ रहा है। अब उस परसेंटाइल सिस्टम के प्रति जो अनावश्यक जो विरोध हुआ उसको देख के तो लगता है कि मुझे कि थोड़ी इसमें और प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। ऐसे मैं चाहता था कि स्केलिंग कर दूं, लेकिन पहले कैंडिडेट्स लोग इस परसेंटाइल या स्केलिंग सिस्टम के प्रणाली को समझ नहीं पा रहे हैं। पहले उनको इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि ये कैसे काम करता है, और उसके बाद ही हम इस ऐसे को सब्जेक्ट वाइज इसको अगर हम परसेंटाइल या स्केलिंग करने की जो बात कर रहे हैं उसके बाद ही हम इसको लागू कर पाएंगे। सर एक बहुत बड़ी समस्या जो बीपीएससी के साथ जुड़ी है, मैं पिछले 15 सालों से इस आयोग का या तो स्टूडेंट रहा हूँ, कैंडिडेट रहा हूँ, और अभी न्यूज़ में भी यही बीट मेरा है। तो सर गलत क्वेश्चन बीपीएससी पीटी में बहुत बड़ा समस्या रहा है। 48वीं से 52वीं में 14 क्वेश्चन हटाए गए, हर एक साल लगभग कुछ ना कुछ प्रश्न हटाए गए, इसी कारण मुकदमेबाजी हुई। आयोग के द्वारा ई ऑप्शन लाया गया, बड़ा ही प्रॉब्लम होता है ई ऑप्शन से। तो सर प्रश्नों को लेकर सर क्या आप कोई नया सुधार करने वाले हैं कि प्रश्न सटीक हो, ई ऑप्शन को लेकर आपके क्या विचार हैं सर? ई ऑप्शन तो मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा एक सॉल्यूशन था ऐसे प्रश्नों को, जो जो प्रश्न
त्रुटिपूर्ण हो गए या जिनके उत्तर जो है वो त्रुटिपूर्ण हो गए, तो वैसे चीज़ों के लिए, वैसे प्रश्नों के लिए यह ई ऑप्शन की आवश्यकता पड़ी। जैसे अगर किसी एक प्रश्न का अगर दो उत्तर है सही और हमने ऑप्शन दे रखा है कि ए बी सी डी सिर्फ दे रखा है, तो स्वाभाविक है कि वो प्रश्न गलत हो गया, क्योंकि जब उसके दो उत्तर हैं तो उसका ऑप्शन हमने दिया ही नहीं। इसीलिए ई ऑप्शन की ज़रूरत पड़ी। और आपने देखा ही, आपने ठीक ही कहा कि पहले इसमें बहुत कोर्ट केसेस भी हुए हैं, बहुत परेशानी हुई है, और जब से यह ई ऑप्शन लागू किया गया है तब से ये परेशानी, ये कोर्ट केस नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन देखते तो नहीं हैं, क्वेश्चन सील्ड आता है और सील्ड ही जाता है और सील्ड ही प्रिंट होकर आता है फिर, तो हम लोग जब तक नहीं देखते हैं प्रश्न, जब तक कि वो कैंडिडेट्स नहीं देखते हैं उसको, जब कैंडिडेट्स देखते हैं उसी समय हम लोग को ही मालूम चलता है कि क्वेश्चन क्या है। तो इसलिए यह ई ऑप्शन तो है, यह रहेगा, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं भी तो कभी ना कभी पास्ट में स्टूडेंट रहा हूँ और कई बार ऐसा होता है कि मुझे ए बी सी डी आंसर नहीं मालूम है, तो अंदाज से मैं गेस वर्क करता हूँ। ई ऑप्शन हो जाने के कारण से वो गेस वर्क करने में लोगों को कठिनाई होती है, तो उसमें यहाँ पर तो आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप इंटेलिजेंट गेसिंग आप फिर भी कर सकते हैं, वो आप करें। अगर नेगेटिव मार्किंग हो जाता और उसके बाद आप ई ऑप्शन भी रहता तो मैं समझ सकता हूँ कि ज़्यादा कठोर हो जाता वो कैंडिडेट्स के लिए। देखिए, जैसा मैंने बताया पहले भी कि हमें कदाचार करने वालों से दो कदम आगे रहना है, और कोई भी परिवर्तन स्थायी नहीं हो सकता। अगर स्थायी होगा तो उसका तोड़ भी निकल जाएगा, उसका काट निकल जाएगा और फिर से कदाचार बढ़ने लगेगा। इसलिए जो चीज़ आज है वो है, वो कल को नहीं रहेगा, कुछ रहेगा या नहीं रहेगा कोई नहीं कह सकते। आज अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इस भविष्य में नहीं होगा, ये मैं नहीं कह सकता हूँ। सर एक और, सर आप सकारात्मक के कदम को लेकर आपने बात की, पेपर में आया कि वेटिंग लिस्ट को लेकर यूपीएससी वेटिंग लिस्ट जारी करती है लेकिन बीपीएससी नहीं करती है। पिछले साल राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के द्वारा भी ये निर्देश दिया गया था कि आयोग को करना चाहिए, तो सर इस पर क्या आपकी प्लानिंग है और कब से, 64वीं पिछले साल ही खत्म हुआ है और मुझे जो सूचना मिली है कि लगभग 200 के आसपास सीटें खाली रह गई, तो ऐसे में क्या प्लानिंग है आपका सर? देखिए, आपने सही बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है ये, और इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। आपको पता होगा कि मैंने यहाँ पर एक्चुअल रूप से कार्य 10 तारीख से संभाला है और अभी कितना दिन हुआ है। ये प्रॉब्लम, ये समस्या मेरे समक्ष अभी आया है और मुझे उम्मीद है कि इसका सकारात्मक निर्णय होगा, क्योंकि एक मामले में ऐसी बात आई थी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने लोहार जाति को शेड्यूल ट्राइब से हटा करके उसको वापस ईबीसी कैटेगरी में डाला था और उसके कारण से शेड्यूल ट्राइब का एक पद जो था वो रिक्त रह जा रहा था। उसके लिए मुझे वेटिंग लिस्ट वाली जो बात आप कर रहे हैं, मुझे नीचे उतर करके फिर से उनको वेटिंग लिस्ट में से इंटरव्यू करना की एक बात हो रही थी कि उसको किया जाए और फिर से उनका वेटिंग लिस्ट से इंटरव्यू करके और फिर चयन करके उस रिक्ति को भर दिया जाए या इसको छोड़ दिया जाए और अगले साल के लिए किया जाए। तो अभी आयोग ने यह निर्णय लिया, अभी 17 तारीख को ही हम लोगों ने ये सारे निर्णय लिए कि किसी भी कैंडिडेट का एक साल बर्बाद नहीं करना चाहिए और वेटिंग लिस्ट में से लोगों को कंसिडर करना चाहिए, चाहे एक ही वैकेंसी क्यों ना हो, लेकिन कम से कम एक कैंडिडेट का तो उसमें जो वेटिंग लिस्ट में जो भला हो सकता है। तो हम लोगों ने निर्णय लिया और वो हम इस बार लागू कर रहे हैं। उन तीन कैंडिडेट्स को हम बुलाएंगे, मतलब तीन गुना हम बुलाते हैं इंटरव्यू के लिए, उसमें से लिस्ट में से हम लोग 3 लाख लोगों को बुलाएंगे, इंटरव्यू लेंगे और उसके बाद उसमें से जिसका चयन होगा उसको हम लोग अपॉइंटमेंट लेटर की बात करेंगे। आगे की परीक्षा के लिए होगा, पीछे की परीक्षा में आप कर सकते हैं, 65-66 हुआ है। मैंने बताया कि ये एक विशिष्ट मामला मेरे संज्ञान में उसी दिन आया था 17 तारीख को और आज हम लोग 23 तारीख को बैठ रहे हैं। सारे चीज़ों को मैं धीरे धीरे जरूर निपटा लूँगा और मैंने कहा ही कि मैं इसको सकारात्मक दृष्टिकोण रखता हूँ इस पॉइंट में। मैं नहीं चाहूँगा कि एक और वैकेंसी रह जाए और दूसरे और वेटिंग लिस्ट के कैंडिडेट्स को एक साल फिर से आना पड़े, तो ये मैं सकारात्मक निर्णय जरूर लूँगा। कब ले पाऊँगा मैं थोड़ा प्रतीक्षा कर लें, लेकिन लूँगा जरूर निर्णय। सर एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ सर, कैलेंडर, बीपीएससी कैलेंडर 2-3 सालों से जारी कर रही है, अफसोस एक भी कैलेंडर अपने समय पर नहीं हो पाया, फेल किया सारा। अभी भी 18 जून को ऐसा अजीब कैलेंडर आया जो कि
पीटी और मेंस जो बचे हुए परीक्षा हैं, 6 महीने का कैलेंडर था, उसको लेकर सर आप क्या रणनीति बनाएंगे कि कैलेंडर पूरे साल का जारी हो और फिर से उसको पूरा भी किया है, सबसे महत्वपूर्ण पूरा किया जाए, इसको लेकर क्या प्रयास रहेगा? देखिए, अभी मेरे पास जो मामला था उसमें 2 साल 2.5 साल से भी पुराने लंबित मामले थे, जिनका कि हमें परीक्षा भी लेना है और उसका इंटरव्यू करना है, रिजल्ट निकालना है वगैरह वगैरह। तो हमारा जो प्राथमिकता हमारी जो रही है अभी फिलहाल, ऐसे मामलों को हम पहले निपटाएं। तो आपने देखा होगा कि नवंबर तक का हम लोगों ने बुक किया है वैसे मामले जो 2.5 साल से पेंडिंग थे, और आगे भी और भी जो बचे रह जाएंगे उनको भी हम दिसंबर माह तक में। तो हमारी प्राथमिकता है कि जितने बैकलॉग हैं वो पहले मैं दिसंबर तक में इसको पूरा करूँ। अब जहाँ तक भविष्य की बातें हैं कि नए मामले आते हैं और कैलेंडर एक बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। मेरा ये मानना है कि हम जब कैलेंडर बनाते हैं तो पूरा एंड टू एंड बनाएं, मतलब कि आप उसका अगर पीटी है तो पीटी, मेंस, इंटरव्यू और फाइनल रिजल्ट, ये सारे चीज़ का, जैसे हमारे समय में भी यूपीएससी में होता, अभी भी होता है, इससे सबको सहूलियत होती है और हम भी एक टाइम बाउंड तरीके से उस डिसिप्लिन से हम लोग काम कर सकेंगे। तो पहले मैं बैकलॉग को पूरा कर लूँ और उसके बाद मैं एक कैलेंडर बनाऊंगा और हम लोग कोशिश करेंगे कि हम उस कैलेंडर के हिसाब से चलें। लेकिन ये बात भी सही है कि प्रैक्टिकल कहीं कहीं पर डिफ़िकल्टी आती है और उसके कारण से कुछ ऐसे कारण आ जाएंगे जिस हम लोगों को चेंज करने, तो थोड़ा बहुत परिवर्तन हो सकता है, ज़्यादा परिवर्तन उसमें नहीं होगा। सर, आपके आने से, आपका जिस दिन ज्वाइनिंग हुआ 5 अगस्त, उससे एक दिन पहले, 2 दिन पहले BPSC 66 का रिजल्ट फाइनल घोषित किया गया। पोस्ट प्रिफ्रेंस को लेकर छात्रों का जो सिलेक्टेड हैं, जैसे कि रैंक 5 पे जो हैं उन्होंने पहला अपना पुलिस सेवा दिया था, उनको नहीं मिला। रैंक 9 जो हैं उन्होंने मुझे इंटरव्यू बताया कि मेरा ऑलरेडी UPSC में हम पुलिस सेवा के लिए इंटरव्यू भी दिए थे, फाइनल नहीं हुआ। उनका 9 रैंक है, उनका 5वां जो चॉइस है वो कन्फर्म हुआ। फिर से रैंक 42 हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स का कहना है कि हमें अपने मनचाहा पद नहीं मिले मेडिकली फिट होने के बावजूद भी। सर, इसको लेकर कुछ सर आपको सर जानकारी सर मिली है? सर, मैं क्षमा चाहूँगा क्योंकि ये मेरे संज्ञान में नहीं लाया गया अभी तक। आप पहली बार आप इस बात को आप रेज कर रहे हैं। ये मुझे जानकारी जरूर थी कि कई परीक्षा फल जो लंबित थे उनको घोषित किया गया था, मेरे योगदान के पूर्व किया गया था, जो कि स्वाभाविक क्रिया होना भी चाहिए था, अगर लंबित था तो हो ही जाना चाहिए था। लेकिन ये जो पोस्ट का जो सिलेक्शन की जो बात आप कर रहे हैं कि अपने 5th ऑप्शन को उन्होंने दिया, ये मेरे जानकारी में नहीं है। पहला पुलिस सेवा नहीं मिला, फिर रैंक 5 जो है वो भी हमारे इंटरव्यू में हमारे साथ बोले, वो रैंक 42 है। उनका कहना है कि मेरे कैटेगरी में मेरे बाद वालों का DSP मिला, मेरी पहली प्राथमिकता थी लेकिन नहीं मिल पाया, ऐसा उन लोगों का कहना है। तो सर, इस पर रिव्यू सर होना जरूरी है सर, क्योंकि आप अभी तुरंत मुझे आप ये बता रहे हैं, मुझे अभी तुरंत जानकारी आपने दिया है, तो मैं इस पर अभी कुछ भी कमेंट नहीं कर पाऊँगा। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि मैं इसको चेक करूँगा और जो उचित होगा वो कैंडिडेट्स के हित में और उनके इन ऑर्डर ऑफ मेरिट उनके हित में ही मैं निर्णय लूँगा। सर, अंतिम प्रश्न, क्या BPSC में खबरें चलती हैं कि लूप होल्स आ गए हैं, जैसे कि अब पेपर में ही सभी जगह खबर आता है, हम लोग भी चलाए थे कि जांच जो चल रहा है सर 67वीं से रिलेटेड, क्या लगता है सर पूरी व्यवस्था में चेंजिंग की जरूरत, और आपकी प्रथम प्राथमिकता इस पद पर रहते हुए क्या रहेगी सर? देखिए, कोई भी सिस्टम अगर एक ही तरीके से चलते रहता है तो उसमें लूपहोल ढूंढने वाले ढूंढ ही लेते हैं, और इसलिए मैंने कहा कि परिवर्तन तो होते रहना भी चाहिए और कोई भी परिवर्तन स्थायी नहीं होना चाहिए। अगर कोई परिवर्तन में, अगर 20 साल पहले कोई सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया तो उसको आज के तारीख पर तो निश्चित तौर पर उसमें कुछ परिवर्तन करना आवश्यक है। ज्वाइन करने के बाद सबसे पहले मेरी यह प्राथमिकता थी कि जो सिस्टम में जो लूपहोल था, क्योंकि जिस पृष्ठभूमि में मैंने यहाँ योगदान दिया वो आप जान ही रहे हैं कि परीक्षा वायरल होने के कारण से स्थगित करना पड़ा, तो हमें सबसे पहला देखना यह था कि क्या क्या इसमें लूपहोल है, या हो सकता है कि अभी गड़बड़ी वैसी नहीं हो रही हो, लेकिन संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए उसको ध्यान में रखते हुए जो मैंने अध्ययन किया UPSC के भी सिस्टम से जाकर के, वहाँ पर मैंने बातचीत किया कि कैसे वहाँ का व्यवस्था है, और यहाँ की व्यवस्था को मैंने देखा, जो मेरी समझ में जो परिवर्तन अभी आवश्यक थे तत्काल, वो मैंने अभी जो पब्लिक डोमेन में मैं दे सकता हूँ वो मैंने पब्लिक डोमेन में दे दिया है। लेकिन जो परिवर्तन आवश्यक थे, जो एक तरह से कहा जाए कि पर्दे के पीछे जो आवश्यक
परिवर्तन थे, वो उन परिवर्तनों पर भी मैंने निर्णय ले लिया है और एक ही साथ निर्णय लिया है और उन पर भी कार्य हो रहे हैं, लेकिन उन कार्यों का मैं खुलासा नहीं कर सकता हूं क्योंकि वो कार्य पब्लिक डोमेन में डालने की आवश्यकता नहीं है, वो गोपनीय मामले हैं। लेकिन मैं इतना ही आश्वस्त करना चाहूँगा कि उन पर भी हमारी दृष्टि है और उन पर भी हम परिवर्तन कर चुके हैं और वो परिवर्तन का हमें सार्थक परिणाम भी नज़र आएगा। एक चीज़ मैं फिर से दोहराना चाहूँगा कि मैंने प्रयास किया है कि पूरी पारदर्शिता बरती जाए और इसके लिए और चेक हो, काउंटर चेक हो, ये सब हो। आपने देखा होगा कि जब फाइनल रिजल्ट जब बनेगा, लेकिन उसको घोषित करने के पूर्व हम उसके एप्लीकेशन से लेकर के उसका पीटी का ओएमआर शीट हो, मेंस की कॉपी हो, इंटरव्यू बोर्ड का मार्किंग हो, वो सारे को हम एक इंडिपेंडेंट कमिटी से एक टीम बना देंगे, इंडिपेंडेंट रहेगा वो टीम, उससे हम उसकी रीचेकिंग करेंगे। रीचेकिंग रीवैल्यूएशन नहीं होगा, रीचेकिंग का मतलब यह हुआ कि अगर उसमें कहीं कोई त्रुटि है, जैसे मैनिपुलेशन है, ओएमआर शीट में वाइटनर लगा करके अगर किसी ने कर लिया, मशीन ने उसको नहीं देखा और उसका हो गया उसके कारण से, तो ऐसी जितनी भी त्रुटियां हैं उसको वो कमिटी चेक करेगा और चेक करने में जहां भी संशय के मामले होंगे वो कमीशन का ध्यान आकृष्ट करेगा वो कमिटी, और उसको देखने के बाद, समझने के बाद ही कमीशन निर्णय लेगा और उसके बाद ही परीक्षा फल घोषित होगा। क्योंकि आपने जैसे बताया कि कई बार पिछले समय में भी और अभी इसको लेकर के जो इन्वेस्टिगेशन वगैरह चल रहा है उसमें भी कई तथ्य उजागर हुए हैं, कई लोग अरेस्ट हुए हैं, तो मोडस ऑपरेंडी जो रहा है उसकी कुछ कुछ तो हम लोग को भी जानकारी होती ही रहती है, जैसे अभी इसमें आया इन्वेस्टिगेशन से भी कुछ जानकारी मिला, तो इसलिए जो पर्दे के सामने वाला जितना परिवर्तन था वो मैंने पब्लिक डोमेन में डाल दिया और पब्लिक डोमेन में जो पर्दे के पीछे वाला था वो पब्लिक डोमेन में नहीं डाला है, लेकिन मैं जानता हूँ कि क्या क्या और कहाँ कहाँ इसमें कमियाँ हैं। उन कमियों का खुलासा करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन उन कमियों को दूर करने की ज़रूरत है और वो मैंने किया है। अब मुझे उम्मीद है कि इस बार जो भी आएगा परीक्षा फल के बाद जो घोषित होगा तो वो प्योर होगा, वो सही होगा। अंतिम प्रश्न ऐसे सर, क्या मजबूरी हो गई कि यूपीएससी मेंस के बीच में पीटी का एग्जाम का जो है सूचनाएं निकल के आ रही हैं? अभी तो आपने तो वेबसाइट पर नहीं डाला है, लगभग पेपर में आया कल की 1000 के आसपास ऐसे छात्र हैं जिनका यूपीएससी मेंस देना है, पीटी भी देना है। ऐसे में 18 को लास्ट है, फिर 24 को है यूपीएससी मेंस। तो 18 को कोई जयपुर देता है तो उसका अररिया सेंटर पड़े, पूर्णिया सेंटर आना मुश्किल है, या फिर 22 को देकर अररिया पूर्णिया से फिर जयपुर या भोपाल जाकर 24 को मेंस देना भी बड़ा मुश्किल है। तो सर कोई और डेट नहीं हो सकता था, इसको लेकर छात्रों का कहना है? देखिए डेट्स तो कुछ भी डेट हो सकता है, आप 2 महीने बाद, 3 महीने बाद। प्रश्न यह उठता है कि हम 6 लाख स्टूडेंट्स का भविष्य हम इसी तरह से अधर में लटकाए रखे रहे हैं। हमने देखा कि 18 तारीख को परीक्षा है यूपीएससी का, फिर उसके बाद 24 को परीक्षा है और उसके बाद फिर 25-26 कहीं ना कहीं किसी, जैसे पड़ोसी राज्य का भी परीक्षा उसी के ठीक बाद में है। हमें डेट नहीं है, फिर पूजा की छुट्टियाँ हो जाएंगी, फिर पूजा में लोग चले जाएंगे, इतना ज़्यादा विलम्ब होता चला जाएगा। तो हमने देखा कि अगर ये 18 तारीख को अगर यूपीएससी की परीक्षा कोई देता है तो 20 तारीख को वो आ सकता है और या फिर 22 को आ सकता है और 22 को आकर के वापस वो फिर 24 को अपनी परीक्षा यूपीएससी का फिर जाकर दे सकता है। आने जाने में थोड़ा कष्ट जरूर होगा, लेकिन ये असंभव नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि जो परीक्षा, अगर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि यहाँ का परीक्षा फैक्चुअल होता है, वहाँ पर परीक्षा कंसेप्चुअल होगा, तो दोनों सवाल ये उठता है कि अगर कैंडिडेट्स ने अपनी परीक्षा, अपनी पढ़ाई पूरे बढ़िया से किया है तो उसके लिए कोई भी परीक्षा मुश्किल नहीं है, चाहे पैटर्न डिफरेंट क्यों ना हो। पीटी की परीक्षा में फैक्चुअल तो होना ही है कि उसमें ABCD ऑप्शन रहते ही हैं। अगर आपने मेंस के लिए भी पढ़ाई किया है तो ऐसा तो नहीं है कि आपने पिछले पढ़ाई को आप भूल गए हैं, ऐसी बात नहीं होती है। मैं भी स्टूडेंट रह चुका हूँ, मैं भी एक साथ कई परीक्षा देता हूँ। बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं और उसके लिए तैयारी करनी HTBR के करंट ये सब जो है UPSC में इसका ज़रूरत नहीं होता है सर? बिल्कुल ज़रूरत नहीं होता है, लेकिन ऐसा तो नहीं कर सकते हैं ना कि मैंने जो तैयारी किया मैं फिर सारा भूल गया। भूलता तो नहीं है ना,
अगर आप अच्छी से तैयारी करेंगे तो आप दोनों काम कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग मल्टीपल एग्ज़ाम्स लोग देते ही हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं देते हैं। हमें बीपीएससी में आप बोल रहे हैं कि नहीं देना चाहते हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि वही बच्चे जो होंगे वो यूपीपीएससी भी दे रहे होंगे, वही कैंडिडेट्स एमपीपीएससी भी दे रहे होंगे, उस किसी का पीटी किसी का मेंस वो तो चलता ही है। उसमें से कुछ ऐसे भी छात्र होंगे जो कि इंजीनियरिंग सेवा भी दे रहे होंगे, तो सबके तो अलग अलग प्रश्न होंगे, सबकी समय यही है, पढ़ाई तो करते ही हैं, इसलिए वो असंभव नहीं है। एक बात ज़रूर है, वैसे मैं उसका दावा नहीं करता हूँ, कोशिश ज़रूर कर सकता हूँ कि अगर 20 और 22 में से अगर कोई कैंडिडेट अपना कोई विशेष, हम लोग तो रैंडम दे देंगे उसको, लेकिन अगर अगर कोई अपना डेट चेंज करने का अगर अपना कोई आवेदन देना चाहता है तो हम कोशिश करेंगे यथासंभव हम उसको 20 और 22 में से किसी एक में उसको उसके चॉइस के हिसाब से एडजस्ट कर सकें तो कर दें। और अगर संभव हुआ, वैसे बड़ी संख्या में लोग हो सकता है कि डिमांड करें कि हम बाहर से आ रहे हैं तो हम पटना में रहना चाहते हैं, हम अररिया नहीं जाना चाहते हैं, मैं देखूंगा कि कितना निकट तक हम उसको दे सकें। वैसे भी चूंकि दो शिफ्ट में कर रहे हैं तो हम लोग का प्रयास रहेगा कि अच्छे सेंटर्स में, ऐसे सेंटर्स में रखें हम लोग परीक्षा जहाँ पर पहुँचना आसान हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद सर थे और इन्होंने काफ़ी सकारात्मक रुख अपनाया है और पूरे व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए अपने प्रयास देने की कोशिश की है। और जो भी प्रश्न थे, जो भी छात्रों को जो प्रश्न लगते थे कि बीपीएससी पूछना चाहिए, हमने पूछा और सबका सर ने जवाब जो है काफ़ी बेबाकी से दिया है। और इसके साथ साथ इन्होंने अपने तर्क रखे हैं कि आखिर क्यों दो दिन परीक्षा ऑर्गेनाइज की जा रही है और क्यों मेंस के दौरान डेट रखना पड़ा। तो जो भी कमेंट होगा आप दें। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।